वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। पश्चिम बंगाल में बुधवार यानी 20 मई को 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवात अम्फान के कारण भारी तबाही हुई है और कम से कम 10 से 12 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। चक्रवात दोपहर में करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट पर पहुंचा। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई, बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान हुआ। सीएम ममता बनर्जी ने इसे कोविड-19 से भी खतरनाक बताया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कितना खौफनाक रहा अम्फान। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवाना के कंट्रोल रूम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कम से कम 10 से 12 लोगों की जान गई है। उत्तर और दक्षिण के 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, यहां तक कि पुरली, बांकुरा जैसे जिले भी अम्फान से प्रभावित हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो पूरा दक्षिण बंगाल ही इससे प्रभावित हुआ है। इससे हुए नुकसान का आकलन करने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ हम कोविड-19 से भी लड़ रहे हैं और साथ ही प्रवासी मजदूर की वापसी से भी, और अब ये चक्रवात। मुझे लगता है कि अम्फान चक्रवात कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि अपनी राजनीति को भूल जाए और हमारे साथ काम करे और लोगों की जान बचाने में हमारी मदद करे। ममता ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि 5 लाख लोगों को खतरे से बाहर निकाल सके। चक्रवात की वजह से सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर बिजली के खंभे गिरने से बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। चक्रवात में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष टास्क फोर्स बैठेगी ताकि जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू किया जा सके। बता दें कि अभी तक सरकार की तरफ से 3 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें एक 13 साल की बच्ची भी शामिल है। हालांकि आशंका है कि 10 से 12 लोगों की जान गई है। बता दें कि बंगाल में चक्रवाती हवाएं 69 किलोमीटर प्रति घंटा से शुरू हुई, फिर शाम 6 बजे के बाद इसकी रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। हालांकि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के केंद्र के आसपास हवाओं की रफ्तार 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस तूफान के केंद्र का व्यास 30 किलोमीटर का था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर में खपराइल मकानों के ऊपर हिस्से तेज हवा में उड़ गए हैं। यहां करीब 5500 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने बताया कि हमारे वर्कर्स को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में समय लग रहा है। कल के बाद ही राहत कार्य शुरू हो सकेगा क्योंकि चक्रवात अभी भी उत्तर के 24 परगना में है। सबसे पहले हम लोगों को भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक मदद के साथ लोगों को नौकरियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन इसमें अभी समय लग सकता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने नई दिल्ली में कहा कि ओडिशा में 20 टीमों को तैनात कर दिया है, जबकि पश्चिम बंगाल में 19 टीमों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा और बंगाल में NDRF की टीमों ने सड़कों को साफ करने का अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने तूफान के आगे के रास्ता का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक अम्फान गुरुवार यानी 21 मई को सुबह 5:30 बजे के आसपास 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश पहुंच जाएगा, फिर बांग्लादेश की सीमा से निकलकर मेघालय और असम में जाकर खत्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी अम्फान चक्रवात से जुड़ी रिपोर्ट। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी देश दुनिया की और भी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।